मेरी पीएचडी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन साउथ अफ्रीका मेरा पीएचडी टॉपिक था, और हमने मंडेला को काफी पढ़ा है, नेल्सन मंडेला को। मंडेला जी के बारे में वैसे तो बहुत सारी बातें कही जाती है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था वो था ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन, मतलब सच्चाई को स्वीकार करना और फिर दोषी अगर अपना दोष मान ले तो उसको माफ कर देना। मंडेला जी ये कहते हैं कि यह समझने के लिए लोगों के अंदर एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, इसीलिए उनका एक बहुत फेमस कोट है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। किसी भी यूथ के लिए उसका जो फंडामेंटल क्वेश्चन है दिमाग का, उसको लेकर के उसको एजुकेट करना। और एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक प्रोसेस है लर्निंग और अनलर्निंग का। हमने जो कुछ सीखा है, गलत आदतें भी तो हम सोसाइटी में ही सीखते हैं ना। सो व्हाट एवर वी हैव लर्न विच इज नॉट यूजफुल और द बैड और लाइक इनकरेक्ट, उसको अनलर्न करना, और जो हमने सीखा है उसको सोसाइटी के अंदर जाकर के चेक करना कि जो सीखा है ये कितना यूजफुल है। तो ये लर्निंग और अनलर्निंग का प्रोसेस ही एजुकेशन होता है, और एजुकेशन किसी भी यूथफुल माइंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, जिससे वो अपने दिमाग के अंदर जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है उसको समझ पाता है कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कहां से आया हूं, व्हाट इज माय एग्जिस्टेंस, वेयर आई कम फ्रॉम, और आफ्टर डेथ मेरा क्या होगा, मरने के बाद हम कहां जाएंगे। ये जो तीन बेसिक फिलोसॉफिकल फंडामेंटल क्वेश्चन हैं, उसको इंसान समझ सकता है जब उसके पास एक वेपन हो। हम ये नहीं कहते हैं कि जानवर पानी नहीं पीते हैं, जानवर भी तो पानी पीते हैं ना, लेकिन आप तो ग्लास से पीते हैं, बॉटल से पीते हैं, इसीलिए तो आप अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं, आप अपने आप को होमो सेपियंस कहते हैं, आप कहते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है ये ह्यूमन सोसाइटी है, जो कॉपरेशन से चलता है, जो से एक कलेक्टिव का निर्माण होता है। तो इंडिविजुअल और कलेक्टिव का जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, उस कॉन्ट्राडिक्शन को समझने के लिए एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और कोई भी रिजीम जब आपके एजुकेशन को इग्नोर करने लगे या यह कहने लगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और आज हम ये देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि यह पोस्ट ट्रूथ का टाइम है। पोस्ट ट्रूथ क्या होता है कि प्रोपेगेंडा करके एक झूठ को एस्टेब्लिश कर देना, और उस झूठ के द्वारा थ्रू दैट लाई दे वांट टू कंट्रोल द सोसाइटी। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा। हमको जो ट्रूथ हमको बताने की कोशिश की जा रही है, वो ट्रूथ एक्चुअली ट्रूथ है कि नहीं है, उसको हमको एनालाइज करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि आज जितनी तेजी से न्यूज फैलता है उससे ज्यादा तेजी से फेक न्यूज फैलता है, आप सब इस बात को जानते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का टाइम है, इस टाइम पे लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और ये कंट्रोल हम तभी खत्म कर सकते हैं जब हम एक थॉटफुल इंसान बनेंगे। और हम एक थॉटफुल इंसान तभी बन सकते हैं जब हमारे पास फंडामेंटल बेसिक एजुकेशन होगा। इसीलिए कहा गया है कि यह मत समझाओ कि क्या पढ़ना चाहिए, यह समझाओ कि कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आपका क्रिटिकल माइंड है, इफ यू हैव अ क्रिटिकल माइंड यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो आज हम ये समझते हैं कि किसी भी यूथ के लिए सबसे जो फंडामेंटल इश्यू होना चाहिए वो एजुकेशन होना चाहिए, कि मुझे पढ़ना है, मुझे एजुकेशन लेनी है। और मैं आपको भगत सिंह को कोट कर रहा हूं। भगत सिंह कहते हैं कि इनकलाब, इनकलाब मीन्स रेवोल्यूशन, इनकलाब कभी भी बम और पिस्तौल से नहीं आता, मतलब
रेवोल्यूशन कभी भी आर्म्स से नहीं होता है, ये हमेशा जो है विचारों से होता है, थॉट से होता है। और थॉट आप कहां से गेन कर सकते हैं? थॉट आप एजुकेशन से गेन कर सकते हैं। सो फॉर ईच एंड एवरी यूथ एजुकेशन शुड बी द फंडामेंटल क्वेश्चन। एंड सेकेंड कि अगर हम पढ़ लें, समझ लें, सीख लें, तो हम ये बात और अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारी जिम्मेवारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए वी शुड हैव जॉब, और उस जॉब को करने के लिए वी शुड हैव स्किल। ये जो दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वाइव हम कैसे करेंगे, फॉर द सर्वाइवल वी नीड जॉब। किसी भी यूथ का दूसरा सबसे जो प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए वो होना चाहिए जॉब। और जॉब की स्थिति ये है आज देश में, इन 5 decades अनएम्प्लॉयमेंट इज हाईएस्ट इन आर कंट्री, एंड नॉट जस्ट इन आर कंट्री, नाउ इट हैज बिकेम अ ग्लोबल इशू। और अनएम्प्लॉयमेंट के चलते, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के साथ ही माइग्रेशन का क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। आप ये सोचिए कि अगर आपके स्टेट में जॉब है, आपके स्टेट में एजुकेशन है, तो आपको दिल्ली जाने का मन नहीं करेगा। और तब और भी बुरा लगता है जब दिल्ली में कोई आपको आपके आइडेंटिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट योर मेयर आइडेंटिटी, बाय योर लुक, बाय योर एग्जिस्टेंस, कोई अगर आपको ह्यूमिलिएट करता है, देन यू फील डिसरेस्पेक्टेड। एजुकेशन और जॉब, मेरा मानना है कि ये किसी भी यूथ का सबसे प्राइमरी क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन एजुकेशन और जॉब, अगेन आई एम रीइटरेटिंग माय पॉइंट, आप तभी पा सकते हैं जब आपके हाथ में सरकार को बनाने का और सरकार को गिराने का ताकत होगा, तभी आप इसको पा सकते हैं। क्योंकि आपको ये जानना चाहिए, हर किसी को इसी देश की हिस्ट्री में हर काम करने का अधिकार नहीं था, हर कोई हर काम नहीं कर सकता था, और हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था, हर किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। मैं एक नाम बताना चाहता हूं, सावित्रीबाई फुले का। कहा जाता है कि वो इंडिया की पहली टीचर थी, फर्स्ट वीमेन जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन लिया, क्योंकि औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जैसे औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को, विमेन को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बहुत सारे ऐसे मेल भी हैं, उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मेयर आइडेंटिटी। ये जो दो फंडामेंटल चीज हैं, ये आप तभी पा सकते हैं जब आपके हाथ में पॉलिटिकल पावर होगा। और ये कोई भी अगर आपको बोलता है कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये सबसे गंदा पॉलिटिक्स है आपके खिलाफ। अगर सब कुछ, इफ एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय द पॉलिटिक्स, वी हैव टू डिसाइड आवर ओन पॉलिटिक्स। हमको वो पॉलिटिक्स चुनना पड़ेगा जिसमें हमारे फंडामेंटल क्वेश्चन हो, एजुकेशन की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो। तो इसीलिए तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है किसी भी यूथ के लिए, कि गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, और पॉलिटिक्स का फंडामेंटल क्वेश्चन क्या होना चाहिए। और आज के समय में हम लोगों को लाउडली, बीइंग एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को रीइटरेट करना चाहिए, उसको रिवाइव करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, ये किसी भी इंडियन यूथ का एक कंसर्न होना चाहिए, कि इशू होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज रफालुंका, आई एम फ्रॉम एनएसयूआई रिप्रेजेंटिंग द यूथ डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर टू इंटरेक्ट विद अस टुडे। माय क्वेश्चन इज, हाउ डू वन करेज अप टू हैव द पोटेंशियल, द एबिलिटी एंड द क्वालिटी of a political activist in India? My second question is, how do young minds ensure
to have a successful political career in a country like India, whereas in a state like Manipur. However, we are still living in a generation where majority of the politicians are in their 60s, 70s, and a politician in their 40s are considered a young politician. And lastly, sir, what is your mission and vision? What is your mission and visions in the world of politics? So I would like to, when it comes to Hindi, I have some difficulties. So may I request you please answer my question in English. Thank you, sir. Sorry, I have missed your first question, actually. What was your first question? Can you repeat it, please? Sorry. How do one courage up to have the potential and the ability, quality of... To become an activist. Yes, political activist. Political activist, okay. You have asked three questions, and I would like to answer it one by one. First question is, what should be the ability? I think this is the most difficult question, because really I don't know what should be the ability. But what I think ki जो भी ऐसी चीज जिसको देख के आपको तकलीफ होता है, आपको बुरा लगता है, मुझे लगता है कि उन चीजों से समाज जो है वो निजात पाए, उसको मुक्ति मिले, उससे जो है हमारा सोसाइटी फ्री हो, ये एक बेसिक सेंसिटिविटी होना बहुत जरूरी है, मुझे जो एक चीज लगता है। एक बार गांधी जी बता रहे थे कि वो कैसे सत्य को जो है ईश्वर मानने लगे, तो एक किताब थी, उस किताब को उन्होंने पलटा और उसमें लिखा हुआ था कि सत्य ही ईश्वर है। तो उन्होंने जीवन भर, इट्स लाइक इन हिज होल लाइफ, वो यही कोशिश करते रहे कि मुझे ट्रूथफुल रहना है अपनी लाइफ में। और आप ये देखिए इंटरेस्टिंगली कि गांधी का जो मॉरल पावर है, उस मॉरल पावर के चलते जो लोग गांधी के मर्डर को सेलिब्रेट करते थे, आज जब वो पावर में आए हैं उनको गांधी के सामने सर झुकाना पड़ता है। कैन यू इमेजिन कि सपोज कीजिए कि, एंड दिस इज नॉट दी लाइक हिडन फैक्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोडसे फैन। अगर वो कहते हैं कि वो आरएसएस में थे, बीजेपी में थे, तो वहां पर गोडसे की पूजा की जाती है, दे सेलिब्रेट गोडसे एज ए रेवोल्यूशनरी एंड दे अब्यूज गांधी। बट व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज द मॉरल पावर? He has to fold his hand in front of Gandhi every year on 2nd of October. तो जो भी चीज आपको तकलीफ पहुंचाती है उसके प्रति सेंसिटिव होना, और सच्चाई, ट्रूथ, ट्रूथफुल और ऑनेस्टी, उसके साथ उसके लिए लड़ना, मुझे लगता है कि यह बेसिक चीज होना चाहिए। और ये दोनों चीज वही कर सकता है जो बहादुर होगा, जो करेजियस होगा। मेरे लिए ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट था, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है उसके आधार पर मैंने आपको बोला, सेंसिटिव होना, ट्रूथफुल होना, ऑनेस्ट होना और करेजियस होना, ये तीन जो बेसिक चीज है ना, उससे ही जो है कोई इंसान समाज में जो समस्याएं हैं, राजनीति में, पॉलिटिक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके खिलाफ वो एक्टिविज्म कर सकता है और उसको बदलने का
एक ड्रीम देख सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि लोग बहुत पॉलिटिक्स में जो है नए लोगों को आने का मौका नहीं मिलता है, बूढ़े लोग कैप्चर किए हुए हैं। टू द एक्सटेंड आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह पूरी तरह से ठीक नहीं है। पूरी तरह से ठीक इसलिए नहीं है कि सचिन तेंदुलकर इज स्टिल कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। टेल मी यस और नो। नो ना, नोबडी कैन, बिकॉज द बिगेस्ट ट्रूथ अबाउट लाइफ इज मोशन। जैसे आप बच्चा नहीं रह सकते हैं ना, वैसे ही कोई हमेशा बूढ़ा भी नहीं रह सकता है। लाइफ और डेथ ये एक चीज है और ये ना जिंदगी के साथ होते रहता है। आपको और हमको किसी और चीज को ध्यान में रख करके फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अपनी टाइम का, अपनी बारी का धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इंतजार करना चाहिए। आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा है ना एबिलिटी का, अगर आप अपने एबिलिटी पर वर्कआउट कर लेंगे ना, तो अपॉर्चुनिटी तो आपके पांव में आकर के सर झुकाएगी। यह बात ठीक है कि मौका नहीं मिलता है, यू आर राइट। और सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, कोई भी फील्ड देख लीजिए। ब्यूरोक्रेट का जो बच्चा है वो इजिली ब्यूरोक्रेट हो सकता है, जो फिल्म स्टार हैं उनके बच्चे इजिली फिल्म स्टार हो सकते हैं, जो एकेडमिशियन है उनके बच्चे इजिली एकेडमिशियन हो सकते हैं, बिजनेसमैन के बच्चे जो है इजिली बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप उसका देखें, धीरू भाई अंबानी का जो उसका ग्रैंडसन है, क्या नाम है उसका, हाँ रिलायंस मेरी जान है जो बोल रहा था, हैव यू सीन हिम, व्हाट इज हिज मैरिट। ऐसे आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे, लेकिन मुझे बताइए कि अमेजॉन जो है उसका ग्रैंडफादर क्या था, कुछ भी नहीं था। या मुझे बताइए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आई डोंट नो अबाउट मणिपुरी फिल्म्स, सो अदरवाइज मैं उसके बारे में एग्जांपल देता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक हिंदी सिनेमा का बहुत अच्छा एक्टर है, उसका ग्रैंडफादर क्या था? और मैं पूछता हूं कि विराट कोहली का ग्रैंडफादर कौन था? सो यस, टू द एक्सटेंड आपकी बात ठीक है, लेकिन ना इसका यह मतलब नहीं है कि बहुत जो है काली घटा है तो सूरज ही नहीं निकलेगा। कितना देर रहेगा, घटा भी छटेगी और सूरज भी निकलेगा। आप अपनी एबिलिटी पे काम करें, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। देखिए, वैसे तो मैं इंटरनेशनल स्टडीज का स्टूडेंट रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में भी हमने इंटरनेशनल एस्पेक्ट को ज्यादा पढ़ा है। इस पे लंबी बात हो सकती है, लेकिन और क्वेश्चंस लेने हैं उसमें बस मैं एक बात कह सकता हूं कि जैसा हम देश चाहते हैं ना, वॉट एवर एंड जिस तरह का जो है हमको देश चाहिए, वैसी ही हम दुनिया भी चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कंट्री जो है किसी के ऊपर अटैक करे, तो हम यह भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी कंट्री किसी कंट्री के ऊपर अटैक करे। सो वी वॉन्ट वॉर फ्री वर्ल्ड, वी वॉन्ट पीसफुल वर्ल्ड। सेकेंडली, कि पीस जो है ना वो तभी हो सकता है जब हम इक्वेलिटी और जस्टिस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें कलेक्टिवली एज ए ह्यूमन काइंड। तो हम चाहते हैं कि दुनिया, पूरी दुनिया जो है ना वो ग्लोबल जस्टिस और ग्लोबल इक्वालिटी की बात करें। इक्वालिटी डजंट मीन कि आपका और हमारा हाइट मिलाने के लिए जो है हमारा पांव काट दिया जाए। इक्वालिटी मीन्स कि वॉट एवर वी वॉन्ट, वॉट एवर नीड वी हैव, इट शुड बी फुलफिल्ड। एंड तीसरा, कि आजकल ना हम लोग नेचर के साथ जो है ना बड़े क्रूएल हो गए हैं। इकोलॉजी को बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना, क्लीन इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट, ये तीन चीज को के ऊपर जो है ना एक ग्लोबल एफर्ट करने की जरूरत है। दुनिया जो है वो वॉर फ्री हो, इक्वल और जस्ट हो, और प्रो इन्वायरमेंट हो, प्रो इकोलॉजी हो। हम ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं
और जैसा दुनिया हो वैसा ही हमारा देश भी हो और दुनिया का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो। बाकी फिर कभी मिलेंगे तो लंबी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Sir, I have one question. Sir, what are the issues related to political engagement and youth empowerment? The question is, sir, what are the issues related to political engagement and youth empowerment? Actually, these two things are dialectically related to each other: political engagement and youth empowerment. Without empowering the youth, politics will be always like a segregated thing. There will be a lack of engagement, and without engagement, we will be not aware about our political rights, our political responsibility. And without right and responsibility, youth cannot get the empowerment. So it is related to each other. And I think we as an organization, we as a party, we think participation of youth is very important. And we say youth is also a kind of abstract term. Women is also part of youth. And the other identities are also part of youth. So participation, engagement, it is very important for the empowerment. And as a country, as a citizen of India, we know that India is the youngest country of the world. Each fifth person of the world is Indian youth. So our youth population is around 55%. So without empowering the youth, politics cannot be based on equality and justice. So it must be implemented in politics. And gradually, slowly, we are trying to implement it. So this interaction is the part of that process only. Thank you very much.